कितनी आधुनिक ये चौकसी। पहले के मुकाबले काफी ज्यादा इम्प्रूव है चौकसी। ये सबके पास रेडार्स है जिसके माध्यम से हर प्रकार की मूवमेंट जो है दिन या रात को खराब वेदर हो या सही वेदर हो देखी जा सकती है और कोई भी घुसपैठ की कोशिश हो फ्रॉम आइदर साइड उसको रोका जा सकता है। साथ ही साथ थर्मल इमेज कैमराज है, नाइट विजन डिवाइसेस है जिसमें रात के समय भी हर मूवमेंट को बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। यानी दूसरे लफ्जों में बनस्पत पहले के हर प्रकार से जो चौकसी है आगे से मजबूत होगी, आगे से जटिल होगी। हिंदुस्तान में अपनी सेना को बीएसएफ को बड़े पैमाने पर डिप्लॉय किया है ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी दखल अंदाजी जो है हिंदुस्तान की तरफ से बांग्लादेश के इलेक्शन में ना हो। जो खलीदा जिया की पार्टी खलीदा जिया पे सभी जेल में है। सर, ये बताया जा रहा था जैसे मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कि खालिदा जिया की सरकार चुकी बनने की आशंका, ऐसा लग रहा है कि उनकी सरकार बनेगी और इसी वजह से जो 5 दिसंबर को कुछ लोग गिरफ्तार किए गए थे बीएसएफ के द्वारा, वो कह रहे हैं पूछताछ में पता चला है कि वो उनकी सरकार बनने के डर से इधर घुसपैठ होने शुरू हो गई, तो इसमें कितनी सच्चाई है और ये ऐसा क्यों? मुझे सरकार बने बहुत ही ज्यादा तादाद में उनके सपोर्टर्स को गिरफ्तार किया गया है और काफी ज्यादा बांग्लादेश में रिलीव हो जाती है। उस माफी की ट्रांसपेरेंसी या क्लीननेस इलेक्शन में नहीं है जिसकी माफी के हिंदुस्तान में है। और खलीदा जिया तो खुद प्रेजेंट में है, उनके मुख्य लीडर प्रेजेंट में है, लेकिन वो कट्टरपंथियों को रिप्रेजेंट करते हैं। उनको बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई का सपोर्ट है और कुछ उनके सिंपथाइजर जो है हिंदुस्तान में भी हैं जो हिंदुस्तान से क्रॉस करके बांग्लादेश में जा सकते हैं इलेक्शन में दखल अंदाजी करने के लिए और वहां से घुसपैठी अगर इधर आते हैं तो उसकी इलेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर 11 लोग आ जाते हैं या 20 लोग आ जाते हैं या 200 लोग आ जाते हैं उसमें उसका इलेक्शन के आउटकम में किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ेगा अगर इधर से जो आतंकवादी है वो कुछ जाके ऐसे हादसों को अंजाम दे जिसका इलेक्शन के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ सके। हिंदुस्तान चाहता है कि उस मौके किसी प्रकार से कोई सपोर्ट न मिल सके। साथ ही साथ हिंदुस्तान जो है हर प्रकार से बिना दखल दिए वास्तव में चाहता है कि जो प्रेजेंट हुकूमत है शेख हसीना की वो दोबारा पावर में आए, क्योंकि जब जब शेख हसीना की हुकूमत आई है हिंदुस्तान और बांग्लादेश के रिलेशन जो है बहुत ही अच्छे रहे और दिन ब दिन इम्प्रूव हो रहे हैं और इसलिए हम नहीं चाहते कि इन रिश्तेदारों में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ आए। उसी को चेकमेट करने के लिए तमाम प्रिकॉशन ली जा रही है ताकि एक फ्रेंडली सरकार जो है वो दोबारा उभर कर आए और खूब बिहेव कर जाए।